तो पहली बड़ी अपडेट, पहली बड़ी खबर आपको बताते हैं। कुरुक्षेत्र में एनआईटी का 18वां दीक्षांत समारोह है, कन्वोकेशन सेरेमनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह में शामिल हुई हैं। जी हां, बड़ी अपडेट है, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम में साथ में ही मौजूद हैं और सीएम ने शिक्षकों और स्टाफ को इस बाबत शुभकामनाएं और बधाई भी दी हैं। तो बड़ी अपडेट है, कुरुक्षेत्र से हम बता रहे हैं, एनआईटी का 18वां दीक्षांत समारोह का ये प्रोग्राम है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि वहां पर पहुंची हैं, उसमें शिरकत कर रही हैं। महोदया की गरिमामय उपस्थिति ने इस अवसर को और भी आनंददायी व चिर स्मरणीय बना दिया है। आपकी उपस्थिति इस संस्थान के विद्यार्थियों और शिक्षकगण समेत हम सब में एक नए उत्साह, उमंग और नव प्रेरणा का संचार कर रही है। मैं इस अवसर पर उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आपके माता पिता भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने आपको इस मंजिल तक पहुंचाया है। साथ ही इस अवसर पर मैं आपको तराश कर उन तमाम शिक्षकों को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदया, एनआईटी कुरुक्षेत्र हरियाणा का गौरव है। इस संस्थान की स्थापना क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में वर्ष 1963 में हुई थी। हरियाणा राज्य इसके लगभग 3 साल बाद अर्थात 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया। इस प्रकार इस संस्थान ने मरुस्थलीय क्षेत्र में आधुनिक हरियाणा तक मरुस्थलीय क्षेत्र से आधुनिक हरियाणा तक 7 दशकों को हमारे साथ जिया है। इस चमचमाती सड़कों, शानदार इमारतों, बड़े बड़े उद्योगों वाले हरियाणा के निर्माण में इस संस्थान से निकले दक्ष व कुशल इंजीनियरिंग का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस संस्थान पर हमें विशेष गर्व है। यह भी अत्यंत हर्ष का विषय है कि जब एनआईटी कुरुक्षेत्र अपना हीरक जयंती वर्ष मना रहा है तो इसे आशीर्वाद देने के लिए स्वयं माननीय राष्ट्रपति महोदया यहां पधारी हैं। इस संस्थान के शिक्षकों व स्टाफ को हीरक जयंती के साथ साथ यहां माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के आगमन की दोहरी बधाई देता हूं। यहां आने से पहले माननीय राष्ट्रपति महोदया ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ अपने कर कमलों से किया है। वहां आपने हरियाणा की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक वैभव के दर्शन किए। यहां आपके सामने 21वीं सदी के युग की अति आधुनिक तकनीकी शिक्षा से युक्त हरियाणा उपस्थित है। महोदया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 21वीं सदी के भारत में दुनिया को शिरमौर कहलाया जाए। इसके लिए उन्होंने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंडअप इंडिया और स्टार्टअप जैसे कार्यक्रम राष्ट्र को दिए हैं। इन सब कार्यक्रमों का आधार स्किल इंडिया है। स्किल किसी भी क्षेत्र में देश को आगे ले जाने के लिए पहली जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए एनआईटी कुरुक्षेत्र की तरह नवीनतम प्रौद्योगिकी शिक्षा देने वाले ऐसे अनेक संस्थान हरियाणा में स्थापित हैं। इनके अलावा कला, वाणिज्य, विज्ञान, प्रबंधन, विधि, चिकित्सा, पशु चिकित्सा, फाइन आर्ट्स, फैशन डिजाइनिंग, फिल्म व टेक, टेलीविजन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि हर क्षेत्र में विश्व स्तरीय व्यवसायिक व रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए उच्च कोटि के संस्थान हरियाणा में विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए रोहतक में सुनारिया में IIM कुरुक्षेत्र में ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र के उमरी में उत्तर भारत का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसी प्रकार सोनीपत के मूर्थल में सीपेट और किलोड़ में IIT स्थापित किए जा रहे हैं। सोनीपत और झज्जर में IIT दिल्ली के विस्तार परिसर स्थापित किए जा रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, वर्ष 1966 में जब हरियाणा का गठन हुआ था तब यहाँ केवल एक विश्वविद्यालय था, जिसे अब हरियाणा में 56 विश्वविद्यालय खुल चुके हैं। हरियाणा में विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए 41 सरकारी सोसाइटी व सहायता प्राप्त और 454 निजी बहुत तकनीक स्थापित हैं। इसके अलावा 4 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज,
89 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज और 4 तकनीकी विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। महोदया, प्रदेश की बेटियां अपनी प्रतिभा से हर क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर रही हैं, इसलिए सभी तकनीकी संस्थाओं में लड़कियों के लिए 25% सीटें ये आरक्षित की गई हैं। मुझे खुशी है कि आज टीम ऑफ द लीडर भी आज एक बेटी यहां उपस्थित होकर के मेडल लेकर के गई है। सरकारी बहु तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। कॉलेज पॉलिटेक्निक में छात्रों के लिए निशुल्क पासपोर्ट सहायता योजना शुरू की गई है। कॉलेजों में लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाए जा रहे हैं। उद्योगों की भागीदारी से छात्रों को 4 से 6 महीने का मुफ्त प्रशिक्षण ये भी प्रदान किया जाता है। राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की सुविधा ये भी प्रदान की गई है। कौशल विकास की दिशा में एक और ठोस कदम उठाते हुए जिला पलवल के दुधौला में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह विश्वविद्यालय अपनी तरह का एक अद्वितीय विश्वविद्यालय है, जो प्रमाण पत्र से लेकर और डायरेक्टरेट तक कौशल शिक्षा प्रदान करेगा। इसके माध्यम से उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महोदया, हम अपनी भावी पीढ़ी को ऐसी शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो उन्हें रोजगार परक सक्षम बनाए, चरित्रवार बनाए और उनमें नैतिक गुणों का समावेश करे। इसे साकार करने के लिए नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसे वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। नई प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार में एनआईटी कुरुक्षेत्र जैसे संस्थानों से हमें निरंतर सहयोग मिला है। मैं इस संस्थान के दीक्षांत समारोह के आयोजन के लिए प्रबंधकों को बधाई देता हूं। और आज उपाधि यानी डिजिटल उपाधि एक प्रकार का, ये भी एक पहली बार मेरे सामने कार्यक्रम आया है। ये कुरुक्षेत्र वैसे गीता की नगरी है, लैंड ऑफ गीता। लोग पूछते हैं, एक तरफ गीता और एक तरफ डिजिटलाइजेशन, संबंध क्या है? मैं कभी विचार करता हूं, बहुत गहरा संबंध है। यदि आप इस शब्द